लाल किले पर तिरंगा के अपमान और मीडिया कर्मियों पर हमले के विरोध में भारी आक्रोश। जिस तिरंगे की आन बान शान में लाखों देशभक्त शहीद हुए उसे किसान के नाम पर उपद्रवियों ने अपमानित किया, मीडिया कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा। इसके विरोध में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद प्रेस क्लब ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। मीडिया कर्मियों पर हमला करने वाले और राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों पर कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। कुछ किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर मार्च के नाम पर रैली निकाली गई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, जिसका बेकदरी से उतार कर फेंक दिया गया, जो हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही कलंक का दिवस था। कुछ किसानों के नाम पर अराजक तत्वों ने जिस तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाई इस राष्ट्रीय पर्व पर, जो जिसके लिए देश ही नहीं पूरा विश्व हमारे देश की तरफ निगाहें रखे हुए था, आज उन लोगों ने अपने चंद स्वार्थों की वजह से, अपनी राजनीतिक स्वार्थों की वजह से हमारे देश का पूरे का नाम जो था वो बदनाम किया है पूरे विश्व में। ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों को कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता, ना ही वो किसान हमारे किसान नेता हैं और ना ही वो किसान हैं। इस तरह किसानों के रूप में भेड़िए या कहा जाए जिस तरह से उपद्रवी लोग ने जो उत्पात मचाया उसकी, एवं हमारे जो मीडिया कर्मी थे साथ ही जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको लाइव दिखा रहे थे, उन पर भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमला किया गया, उनके कैमरे तोड़े गए, उनको बंधक बनाकर पीटा गया। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रेस क्लब घोर निंदा करता है और प्रशासन एवं शासन से ये मांग करता है इस तरह के उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, एवं हम मीडिया कर्मियों के लिए जो निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहते हैं फील्ड में, उनकी जान को हमेशा जोखिम रहता है, हम सभी लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, ये मैं प्रशासन से एवं शासन से मांग करता हूं। धन्यवाद जी महोदय। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा सीमा उप जिलाधिकारी महोदय तहसील सुगावार महोदय निवेदन है कि कल लाल किले पर किसान आंदोलन के नाम पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर हम सभी भारतीयों को अपमानित किया है, जिससे हमारे देश की आंखें शर्म से झुक गई हैं। लाल किले पर दूसरा झंडा फहराना क्या सबूत देता है? जिस झंडे के सम्मान में लाखों भारतीयों ने कुर्बानी दी है, लाल किले पर कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर हमले की सुखाबाद प्रेस क्लब घोर निंदा करता है। मीडिया कर्मियों को बंधक बनाकर कैमरे तोड़े गए व पीटा गया, इस प्रकार के लोग किसान नहीं हो सकते। हम सभी मीडिया कर्मी किसान के नाम पर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। मीडिया कर्मी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जिससे हम मीडिया कर्मी निर्भीक एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सके, अन्यथा की स्थिति में मीडिया कर्मियों को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। निवेदक प्रेस क्लब।